यहाँ जस्ट पहुंचे हैं नदी के साइड में और भैया लोग बता रहे हैं कि सुबह से ना टाइगर की मूवमेंट है। देखो ये बता रहे हैं, इस टाइगर ना कहीं भी हो सकता है मेरे आसपास। मैंने आप लोगों को पग मार्क दिखाए और अब जो स्मेल आ रही है, मतलब उसने यहाँ पे शिकार करके रखा हुआ है। इधर पीछे मेरे पीछे जो ग्रासलैंड सा है। सो गाइस एट लास्ट ये देखो पंजा मिल गया है, मेल का लग रहा है क्योंकि खुला हुआ है। पंजे का साइज देखो कितना बड़ा पंजा है, ये पंजा है। राउंड कर देता हूँ जिससे कि अगर कोई और आए तो उसे भी देखने को मिले, ठीक है। इस तरफ मतलब टाइगर जो रात को मूवमेंट हो रही थी हमारे रिसोर्ट की तरफ ही गया। ये सामने जो हट सी दिख रही है इसी में मैं रह रहा था। तो, कॉल है इधर पे 100%। गाइस यहाँ से बहुत तगड़ी कॉल आ रही है, सामर डियर की कॉल आ रही है नॉन स्टॉप रिवर के उस तरफ से। और वहीं से जब मैं आप लोगों को उधर पे खड़ा होकर बता रहा था वहाँ से स्मेल भी आ रही थी। ये देखो है ना, इस तरफ से आ रही है ना। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द सब्सक्राइबर एंड द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। और ये देखो क्या शानदार लोकेशन पे मैं हूँ, पीछे कोसी रिवर बहती है। वो मैंने कल रात को आपको सारा दिखाया था जहाँ पे टाइगर आके बैठता है। अगर वो पर्टिकुलर ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना। अभी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ जंगल में, ठीक है। रात को पीछे कोसी में बहुत ज़्यादा कॉल थी, बहुत तगड़ी कॉलिंग चल रही थी। तो अभी डंडा लेके वहाँ पे जा रहे हैं एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कुछ वहाँ पे अगर मिलता है तो आप सब लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जा रहे हैं। साथ में नेगी जी डंडा ले लिया क्योंकि लोकल आदमी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेल्स होते हैं वो इन्हीं को पता होते हैं। एंड ये वाला जो साल है आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है गाइस। इसी कामना के साथ चलो आगे। सो गाइस यहाँ जस्ट पहुँचे हैं नदी के साइड में और भैया लोग बता रहे हैं कि सुबह से ना टाइगर की मूवमेंट है। देखो ये बता रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी भैया लोग बता रहे हैं कि सुबह टाइगर की अच्छी खासी मूवमेंट थी, कॉल वॉल आ रही थी। तो नीचे रिवर बेड पे चलते हैं एंड कीपिंग फिंगर क्रॉस कि वी गोना सी समथिंग। गाइस न्यू ईयर पे धमाका मचा देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ पे जा रहा हूँ, वो आगे आने वाला है। तो पूरा ब्लॉग देखा करो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्या जाता है, कर लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। टाइगर का सो गाइस ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें टाइगर बैठा रहता है पानी पीने के लिए। गर्मियों के टाइम में और सर्दियों में छुपा रहता है। तो यहाँ पे कभी आओ तो ध्यान से आना, ये पर्टिकुलर जो स्पॉट है। अब यहाँ से चल रहे हैं नीचे और अब हम ये पहुँच गए रिवर पे। आवाज़ सुनो कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही है। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, ज़बरदस्त। पूरा इस घने जंगलों में से आए, तो जैसे जैसे जो जो होता रहेगा वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। कहीं फुटमार्क्स दिखे तो वो भी दिखाऊंगा, बिकॉज वी आर इन टाइगर टेरिटरी। और मैं आ गया हूँ एक ऑसम जगह पे। यहाँ पे टाइगर की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। रात को यहाँ से अच्छी खासी कॉल आ रही थी एंड ये पूरा जंगल यहाँ से हम लोग ट्रैक करके आए हैं। और ये वो जगह है पूरी, देखो कितनी खतरनाक जगह। A few moments later. So guys, at last ये देखो पंजा मिल गया है, मेल का लग रहा है क्योंकि खुला हुआ है। पंजे का साइज देखो कितना बड़ा पंजा है, ये पंजा है। राउंड कर देता हूँ जिससे कि अगर कोई और आए तो उसे भी देखने को मिले, ठीक है। इस तरफ मतलब टाइगर जो रात को मूवमेंट हो रही थी हमारे रिसोर्ट की तरफ ही गया। ये सामने जो हट सी दिख रही है इसी में मैं रह रहा था, यही है। हाँ ये देखो एक ये एक पंजा ये, तो इसी तरफ टाइगर मूव करके गया हुआ है। मतलब यहाँ से ये देखो ये रहा पंजे का साइज देखो कितना बड़ा पंजा है, देख रहे हो, ये रहा ये रहा। तो अभी हम इसी टाइगर को ट्रैक करते हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके पंजे बचाते हुए हम भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये देखो इस तरफ मूव करके गया है। ये जा रहा, ये रहा देखो। सो गाइस कभी भी जहाँ पे टाइगर चला हो ना वहाँ चलने की गलती मत करना,
सेफ्टी परपज से बता रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा पंजा है, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे है। रात को यहीं से बहुत ज़ोर से कॉल आ रही थी, अलार्म कॉल आ रही थी, और ये वो रिसॉर्ट है जहाँ पे मैं हूँ। तो मैं कह रहा था ना आपको कि पूरी रात कॉलिंग चल रही थी, तो वही चल रही है। इधर है सामने, ओ वाओ देखो कितना बड़ा है। ये इसी डायरेक्शन में गया हुआ है। गाइस माहौल बन गया, टाइगर इसी पे चला हुआ है जो रात को चला था ना, और जो आवाज़ आ रही थी सेम डायरेक्शन पे है, और हम इसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। देखो फॉलो कर रहे हैं, तो जहाँ तक साफ एरिया दूर तक दिख रहा है वहाँ तक उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं ये नहीं है, इसी तरफ गया टाइगर, यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। उस तरफ है पंजे है, इस तरफ नहीं है ना, इसी तरफ है वो, ऐसे सीधा गया शायद इस तरफ को अपने रिसॉर्ट की तरफ। सो गाइज ये होता है थोड़ा सा पथरीली नदी है ना, तो पंजे इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ से तो ऐसे स्ट्रेट आते हैं, ठीक है, मोहान से इधर तक आए हुए दिख रहे हैं। अब इधर पे आके हम पंजे थोड़े से गायब हो गए, कहीं ऐसा ना हो अंदर को कट गया, तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से वहीं से फॉलो करता हूँ, आप थोड़ा आगे देखो। सो गाइस टाइगर के ना पंजे जहाँ तक बिल्कुल क्लियरली मैंने मार्क किए हैं पीछे 1 किलोमीटर से, वहाँ से दोबारा से एक बार करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आगे मिसप्लेस हो रहे हैं। बच्चों का काम नहीं है ऐसे ढूंढना, ठीक है, किसी को लगता होगा कि भाई बहुत इजी काम है, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। देखो गाइस जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये देखो कितना बड़ा पंजा है। यहाँ पे कोई फीमेल है क्या बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पे अलग पंजे लगे हुए, वहां पे अलग लगे हुए हैं। छोटा नहीं है, बड़े ही पंजे तो बड़े हैं, बट ये फीमेल के पंजे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पे ग्रासलैंड है, वो एक है नदी के साइड में एक जगह टापू सा बना हुआ है, तो उधर चल के देखते हैं। और यहाँ पे दूर तक दिख रहा है इसलिए इट इज़ सेफ, जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी लो वहाँ पे ये सब काम मत करना। तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्या ज़बरदस्त हमारे को टाइगर्स के पगमार्क मिले, बहुत ही बड़ा साइज़ था, इससे भी बड़ा साइज़ था, बट ये किया मतलब नियर अबाउट आधी किलोमीटर तक तो वो पंजों को फॉलो किया, बट उसके बाद फिर वो दिखने बंद हो गए इस डायरेक्शन में कहीं। आपने कहा क्यों ना इस तरफ आया जाए, रिवर का मजा लिया जाए। ट्रैकिंग अ टाइगर इन अ रिवर इज एन एडवेंचर। और ये जो ऐसा घास वास सा होता है ना, इसमें टाइगर छुपा रहता है दिन में, ये जो पूरी घास दिख रही है। तो हमेशा कभी भी अकेले मत आओ, साथ में किसी को लाओ। सो गाइस ये कोसी रिवर है, और उसके उस तरफ जो एरिया है वो खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे घास है, ग्रासलैंड टाइप का सा है छोटा, तो टाइगर उसमें रह सकता है। तो उस तरफ जाने की गलती भूल के भी नहीं करेंगे, वहाँ पे एक ईगल बैठी है, हॉक ईगल सामने भी है, रिवर क्रॉस कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे ना किल की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, और उसी वजह से वो जो ईगल है जो उस पेड़ पे बैठी हुई है वो यहाँ पे चक्कर लगा रही थी, मतलब टाइगर ने यहाँ पे रात को। पर जिस हिसाब से स्मेल आ रही है ना, तो कल का नहीं लग रहा है, मतलब 3-4 दिन पुराना है, या उससे भी पुराना हो सकता है। और सामने स्पॉटेड डियर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और किसी भी हिसाब से ना ये जगह को आप लाइटली मत लेना कि पिकनिक विकनिक करने लग जाओ, बहुत तगड़ी कॉल आ रही है, तो सॉरी बहुत तगड़ी स्मेल आ रही है इस तरफ से, क्योंकि हवा इस तरफ की है। 100% यहाँ पे किल है।
इस टाइगर ना कहीं भी हो सकता है मेरे आसपास। मैंने आप लोगों को पग मार्क दिखाए और अब जो स्मेल आ रही है, मतलब उसने यहाँ पे शिकार करके रखा हुआ है। इधर पीछे मेरे पीछे जो ग्रासलैंड सा है, तो सब कुछ है, बस ये है कि टाइगर कब निकले और कब दिखे वो वाली बात है। बट सारी चीज़ें हैं, ईगल है वो ऊपर घूम रही है, ठीक है, पग मार्क्स है और स्मेल आ रही है, मतलब सारी चीज़ें टिक हो गई हैं, सिर्फ टाइगर नहीं दिखा है। उसके अलावा हर चीज़ यहाँ पे टिक मार्क हो गई है और 100% अश्योरिटी दे रहा हूँ कि टाइगर इसी में है, इसके अलावा और कहीं टाइगर नहीं है इस पूरे बेल्ट में, इतने बेल्ट में, ये जो इतना सा ग्रास। पेशेंस की गेम है, बैठो वेट करो। और इसमें भी टाइगर, यहाँ पे भी टाइगर चले जाता है, वेटिंग वेटिंग हो रही है बस, यहाँ से टाइगर निकल के आ जाए, मज़ा आ जाए, न्यू ईयर मेरा भी अच्छा हो जाए, आप सब लोगों का भी अच्छा हो जाए। कॉल है इधर पे, 100% कॉलिंग हो रही है, देखना अभी चुपचाप से। सांबर की कॉल है, देखो गाइस, यहाँ से बहुत तगड़ी कॉल आ रही है, सांबर डियर की कॉल आ रही है नॉनस्टॉप रिवर के उस तरफ से। और वहीं से जब मैं आप लोगों को उधर पे खड़ा होकर बता रहा था, वहाँ से स्मेल भी आ रही थी, ये देखो है ना, इस तरफ से आ रही है ना। जो मैंने कल आपको ब्लॉग दिखाया उसमें टाइगर यहाँ से चढ़ा था ना, इस तरफ से चढ़ के ये हमारे यहाँ पे रिसोर्ट के पास दीवार पे बैठा हुआ था। और नेगी जी से सिर्फ कोई हार्डली कितना, 100 मीटर दूर रहा होगा, 100 मीटर दूर था, बैठा हुआ था। और नेगी जी बता रहे हैं कि ज़मीन से उसकी हाइट इतनी थी, मतलब मेरी कमर तक, बहुत तगड़ा मेल था यहाँ पे। और अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे जस्ट नीचे फुटमार्क्स दिखाए, तो इट इज़ नॉट अ जोक, टाइगर तो यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत तगड़ी कॉल आ रही है, नॉन स्टॉप कॉल चल रही है और किल की भी स्मेल आ रही है, तो टाइगर तो यहाँ पे 100% है। वैसे टाइगर तो हर जगह है, इट इज़ प्योर लक गेम कि आपको कहाँ देखने को मिलता है। और पानी देखो कितना साफ, सी कितना साफ पानी है। सो गाइज, है ना हैप्पी न्यू ईयर वाला धमाकेदार ब्लॉग, ट्रैकिंग अ टाइगर इन अ रिवर, कोसी रिवर, और सब कुछ आपको दिखाया। तो इतना धमाकेदार ब्लॉग्स की शुरुआत करी है, और ये देख के ना यार थोड़ा सा बुरा लगता है, नदी में कचरा वचरा मत गिरो प्लीज़। ख़तरनाक जगह, बहुत ही तगड़ी लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको साल के पहले दिन लाया हूँ, और टाइगर के एरिया में चल रहे हैं। और ये जो बेल्ट है ना अभी जो दिखा रहा हूँ, इसमें टाइगर चलना पसंद करता है, टाइगर को भी पत्थर में चलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो जगह है इसमें टाइगर थोड़ा सा जंगल से दूर रहेंगे, रीज़न आपको पता है कि गैप रखना है हमें, कि हमें थोड़ी सी तो जगह मिले ना, पता लगे बिल्कुल पास में चले जाएँ और टाइगर वहीं छुपा हो। क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को पग मार्क्स दिखाए थे, पर नेगी जी इसमें 100% पग मार्क लगे होंगे, पर ये है कि उधर जाना सेफ है क्योंकि बिल्कुल हाँ झाड़ियों में रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ वही तो, गैप होना चाहिए एटलीस्ट 10-20 फीट का गैप, तो पता लगे साला चार्ज कर दे इसी में छुपा बैठा हो। गाइस टाइगर ना इसी एरिया में छुपा होता है, और ये वो जगह है जहाँ से सुबह मैं आपको दिखा रहा था। ये अपनी बैक साइड लगती है क्या? हाँ। सेफ है यहाँ से जाना? हाँ। नहीं मैंने कहा कोई खतरे की बात तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों तरफ घास है, पता लगे लपेट दे, क्योंकि यहाँ तक तो पग मार्क के निशान थे। पहले ये देख लो यहाँ कोई ताजे पग मार्क तो नहीं है, क्योंकि अगर ताजे हुए तो इधर से जाना सेफ नहीं है, है? डंडा बजाना पड़ेगा, डंडा वंडा तो बजा लो, पर है क्या कह रहा हूँ नेगी जी, उधर से ही चलते हैं यार। नहीं चक्कर पता है क्या है,
एक रीजन ये है ना कि थोड़ा सा घास वास कम हो ना, क्योंकि अपन ने इधर जस्ट तो ये देखो पगमार्क लगे हुए लगे हैं पगमार्क, तो रिस्क नहीं ले सकते ना घास में। अब पता लगे इधर ही छुपाओ, अगर घास नहीं होती तब तो चले जाते, जहाँ दिख नहीं रहा कुछ वहाँ पे रिस्क है। आप बैठा है, आप उसके सामने भी जा रहे हैं। हाँ। तो भी वो कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं वो बात मैं आपकी मान गया। हाँ। कि कुछ नहीं करता। हाँ, टाइगर वैसे। हाँ, उसने बट अपने को जहाँ तक दिखता रहे ना दूर तक। हाँ। तो सेफ्टी है। हाँ। ऐसे आप अंधाधुंध किसी जगह में घुस जाओ। हाँ। तो मैं तो इस चीज को वो नहीं मानता। सही सही बात। अब जैसे यहाँ से खाली है, यहाँ से जा सकते हैं अपन अगर चढ़ जाए तो। अच्छा हाँ हाँ 5 मिनट ज्यादा सही, एटलीस्ट सेफ तो है, क्योंकि बहादुरी और बेवकूफी में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है। हाँ। वो जहाँ पे आपने लाइन क्रॉस करी। हाँ। उधर काम हो गया। हाँ। एन ऑफ एक्शन हैज बीन चेंज। अब हम सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हैं यहाँ से। वहाँ पे तो यार बहुत घास थी, वहाँ पे थोड़ा डेंजरस काम था तो इसलिए वहाँ से नहीं गए, बट यहाँ से चलेंगे और यहाँ भी आवाज़ करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइगर आसपास ही है। बट जितना शोर करके चलोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, जंगल में बात करते हुए चलो, बाकी अगर किस्मत ख़राब होएगी तो कितनी बात कर लो कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा, एलिफेंट इसी से आता है। ये मेरी कॉटेज है और यहाँ पे पगमार्क सारे लगे थे जो मैंने आपको दिखाए, और इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ के आया हूँ इसलिए सांस फूली हुई है। मेरी विंडो से सीधा ये व्यू दिखता है पूरा 0 पॉइंट तक। तो अभी चलो चलते हैं कबीला। सांस चढ़ गई है और उधर चल के फिर आगे की कार्रवाई करते हैं।